कि तू है इब्तिदा तू है इंतहा तेरी शान जल्ला जलालहू। तू है इब्तिदा तू है इंतहा तेरी शान जल्ला जलालहू। तू करीम है तू अजीम है तू रऊफ है तू रहीम है तू कदीर और कादिर और किबरिया तेरी शान जल्ला जलालहू। और जो भी जिंदगी में हमें मिला तेरे फजल ही से अता हुआ तेरा शुक्र कैसे करें अदा तेरी शान जल्ला जलालहू तेरी शान जल्ला जलालहू तेरी शान जल्ला जलालहू। दावत दे रहा हूँ हजरत अल्लामा मौलाना बशीर अहमद सियालवी साहब जो आपके प्रोग्राम की सरप्रस्ती भी फरमा रहे हैं, तशरीफ लाएं और अपने इरशादात आलिया से हम सबको सरफराज फरमाएं। نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مثال مصطفى کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا مثال مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا ایس پی چدر صاحب تشریف فرما ہے میرا خیال ہے میرے اس بات کی تائید فرمائیں گے کہ سبحان اللہ کہنے پہ کم از کم پاکستان میں پابندی نہیں ہے آپ ذکر رسول کی محفل میں آئے ہیں تو جب اب یہاں سے اٹھ کر جائیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ خالی جھولی لے کر جائیں گے یہ تو ناممکن ہے نا جب آپ یہاں سے اٹھ کر جائیں تو آپ کی جھولیاں اللہ کے کرم سے بھری ہوئی ہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے 90 نیکیاں ملتی ہیں یہ معمولی بات نہیں ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں وقت دیا ہے سردی کا موسم ہے آئے ہیں بیٹھے ہیں تو کچھ لے کر جانا چاہیے جب سرکار کی بات آئے سرکار کی شان کی بات آئے تو ایمان والا تو کھل جاتا ہے جب میں نے سنائی نعت نبی جب میں نے سنائی نعت نبی سن ہو گیا سنتے ہی نجدی سنی نے سنا سن کر یہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ
मुन्नी ने सुना सुनकर ये कहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सुन्नी की पहचान ही ये है कि जब सरकार का जिक्र सुने चेहरा खिल जाए और चेहरे पे रोशनी आ जाए नूर आ जाए। और अगर सरकार का जिक्र सुनकर मुंह मुसिया हो जाए पैड़ी बूथी बन जाए सरकार ने की तो लग रही। इसलिए जब सरकार की तारीफ हो तो फिर सुभान अल्लाह। मैंने देखा कारी साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई खूबसूरती के साथ कुरान पाक की तलावत फरमाई इंतहाई खूबसूरती के साथ। लेकिन कुछ सुभान अल्लाह कम अज कम जो है ना वो चंद दो तीन आदमी थे जो सुभान अल्लाह कह रहे थे बाकी पता नहीं उन पर कोई पाबंदी नहीं है। क्यों चंद्र साहब सुभान अल्लाह कोई पाबंदी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अर्ज कर रहा था कि मिसाले मुस्तफा कोई पैगंबर हो नहीं सकता सितारा लाख चमके मेरे अनवर हो नहीं सकता। और सिहाबा वो जिने हर सुबह सुबह ईद होती थी नबी का कुर्ब हासिल था नबी की दीद होती थी। हमदो सलात के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम मेहमाना ने गिरामी मशायख इज़ाम नातखाना ने शीरी लिसान। मैं सबसे पहले तो जनाब मोहतरम राना शौकत हयात साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। शुक्रिया इस बात का कि आपने हमें बुलाकर दावत देकर सरकार का जिक्र सुनने और सुनाने की सआदत नसीब फरमाई। कुरान मुकद्दस की आयत मुबारक आपने समाअत फरमाई। मैं आपके सिर्फ 5 मिनट लूंगा परेशान होने की जरूरत नहीं। वरफाना लका अल्लाह ने फरमाया कि हमने महबूब आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। जब कायनात नहीं थी उस वक्त भी सरकार का जिक्र था। कायनात है सरकार का जिक्र है कायनात नहीं होगी सरकार का जिक्र होगा। आप सोच रहे होंगे कि कायनात नहीं होगी कायनात सरकार का जिक्र कर रही है कायनात नहीं होगी तो जिक्र कैसे होगा। जो फना नहीं होने वाला वो सरकार का जिक्र करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाती है कि इन अल्लाह व मलाइकातहु यसल्लून अलन नबी। और कोई वक्त की कैद नहीं है अल्लाह हर वक्त अपने महबूब पे दुरूद पढ़ता है हर वक्त कोई गरीब ऐसी। तो जब कायनात के अंदर कोई शय नहीं होगी अल्लाह होगा यसल्लून अलन नबी अपने महबूब पे जिक्र पढ़ रहा हो। लिहाजा कायनात है तो जिक्र हो रहा है कायनात नहीं थी जिक्र हो रहा था कायनात नहीं होगी तो अल्लाह के महबूब का जिक्र होता।
इंसान की खुशबख्ती है, खुश नसीबी है सरकार का जिक्र करें। और अगर इंसान महरूम हो जाए तो अल्लाह ने अपने महबूब का जिक्र पत्थरों से भी कराया है, अपने महबूब का जिक्र दरख्तों से भी कराया है, अपने महबूब का जिक्र कायनात के जर्रे जर्रे से कराया है। सरकार का अब्दी दुश्मन अबू जहल हर वक्त इस में रहता कि कोई ऐसी बात मिले। मक्का पाक की गली सरकार तशरीफ ला रहे हैं, इधर से ये जा रहा है, सोचा अब क्या करूं, ऐसी बात करूं, ऐसा एतराज करूं जिसका जवाब ना हो सके। और तो कोई बात ना सूझी उसको, जमीन से एक मुट्ठी भरी कंकरों की सरकार को कहने लगा, जो अल्लाह का नबी होता है वो गैब की खबरें देता है। कौन कह रहा है? कम अज कम अबू जहल का कम अज कम इतना अकीदा था कि जो नबी होता है वो खबर देता है, जो नबी होता है वो गैब की खबर देता है, गैब जानता है। अगर तू नबी है तो बता मेरी मुट्ठी में क्या है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, ये तो कोई बात नहीं। मजा तो तब है ना जो कुछ तेरी मुट्ठी में है वो तुझे बताए कि मैं कौन हूँ। मजा तो तब है कि जो कुछ तेरी मुट्ठी में है वो तुझे बताए कि मैं कौन हूँ। तो आका करीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनते ही बंद मुट्ठी में कंकरियों ने पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह ने अपने महबूब का जिक्र कायनात की हर चीज से कराया है। वरफाना अल्लाह का जिक्र, सरकार का जिक्र हो रहा है, होता रहेगा, होता रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बे कायनात हमें जिक्र रसूल करने की तौफीक अता फरमाए, जिक्र रसूल सुनने की तौफीक अता फरमाए।